ओके सो इन दिस वीडियो विल बी डे लुक एट द टॉपिक ऑफ एक्यूट ऑपरेटिव और टाइटस मीडिया दरअसल हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस पहले ही पढ़ के आ चुके हैं अब हम इस टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज डिसऑर्डर ऑफ मिडिल ईयर अब हम मिडिल ईयर में जस्ट मिडिल ईयर कैविटी की बात नहीं कर रहे हैं हम मिडिल ईयर क्लेफ्ट की बात कर रहे हैं मिडिल ईयर क्लेफ्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं तो यू ट्यूब का पार्ट आता है देन मिडिल ईयर इटसेल्फ आता है एटिक का पोर्शन आता है एडिटर्स का पोर्शन आता है और एंट्रम का पोषण आता है एटिक और एडिटर्स तो खैर मिडिल ईयर का ही पार्ट है लेकिन एंट्रम विनो के मास्टरड बोन का पार्ट है और मेस्ट्रोड एयर सेल्स भी ठीक है तो मिडल ईयर क्लेफ्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है मिडल ईयर क्लेफ्ट की ही यू कैन से सेपरेटिव मीन्स के पास फॉर्मिंग इन्फ्लेमेशन है बाइपायोजनिक ऑर्गेनिजम्स जिसमें कौन से बैक्टीरिया आते हैं हम आगे देखेंगे और जो मडल ईयर लेफ्ट के पोर्शन है अभी पूछे जा सकते हैं उसमें यू स्टेशन ट्यूब आती है एटिक का पोर्शन है एंट्रम का पोर्शन है एडिटर्स का पोर्शन है मडल ईयर कैविटी है और मैस्टर्ड एयर सेल्स है ठीक है ये उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है इनकी ठीक है अच्छा बाकी बाकीलॉजी यही है कि ये मोस्ट कॉमन है इन केस ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन ऑफ लोअर सोशल इकोनॉमिक ग्रुप और ये डिजीज़ फॉलो करती है वायरल इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बट सोन द पार्जनिकर्गेनिज्मेट द मिडिल ईयर ठीक है तो इसका मसला होता ही है कि अगर मैं आपको एक लाइन में एक्यूट सेपरेटिव अटाइटिस मीडिया की पैथोलॉजी समझाने की कोशिश करूँ तो वो यही है कि इसमें एबनॉमिलिटी होती है यूस्टेशन ट्यूब की ठीक है एनी डिफेक्ट विच कॉज एबनॉमिलिटी इन द यूस्टेशन ट्यूब विल कॉज एक्यूट सेपरेटिव अटाइटिस मीडिया ठीक है डेफिनेटली जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगी ठीक है लाइक like, uh, उसको कोई रानाइटिस uh, है बच्चे को या कोई टॉन्सिलाइटिस की कम्प्लेंट है या फेन्जाइटिस की कम्प्लेंट है उससे इट इज़ पॉसिबल कि एडिमा हो जाए यूस्टेशन ट्यूब का जिसकी जिस, जिस वजह से उसका ड्रेनेज जो था या जिसका पाथवे था वो ब्लॉक हो जाए उस नतीजे में होगा क्या जो सारी पैथोलॉजी हम आगे देखते हैं लेकिन जो स्टार्ट होता है मसला वो यूस्टेशन ट्यूब के डिफेक्ट से होता है बस ये बताना ठीक है अब है तो ये बैक्टीरियल इफेक्शन क्योंकि सपरेटिव है तो एक्यूट टाइटस मीडिया में कुछ रूट्स ऑफ इन्फेक्शन है सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड जो मोस्ट कॉमन रूट है दैट इज आया था यूस्टेशन ट्यूब ठीक है यूस्टेशन ट्यूब से डायरेक्टली से ट्रैवल कर जाते हैं बैक्टीरिया या फिर सब ए पेथी पे से ट्रैवल कर जाते हैं बैक्टीरिया और बच्चों में यंगर एज ग्रुप में इसकी इन, इसकेट टाइटस मीडिया की इंस्टेंस इसलिए होती है क्योंकि जो स्टेशन ट्यूब है दैट इज़ शॉर्टर वाइडर एंड मोर हॉर्जोंटल स्पेशली जब बच्चों को ब्रेस्ट फिट करा रहे हैं या या बोतल फिट करा रहे हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो दूध की वहाँ पर रिगर्ज करने का चांस ज़्यादा होता है तो जिस वजह से फिर फॉलो करेगा टाइटस मीटर ठीक है तो इसलिए बच्चे का हेड थोड़ा ऊपर रखना चाहिए थोड़ा प्रॉपर पोजीशन रखना चाहिए बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग ठीक है या ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इसके अलावा स्विमिंग से भी हो सकता है डाइविंग से भी पानी जा सकता है कान में यूस्टेशन ट्यूब के जरिए तो ये यूस्ट्रेशन ट्यूब एक इंपॉर्टेंट उसका कॉज है ठीक है जोटोटाइटस मेटिया का ठीक है अच्छा एक्सटर्नल लेयर से भी जा सकता है इनकेस किसी वजह से अगर प्रोफोरीशन हो या याट्रोमेटिक परफोरेशन है टिम्फेनिक मेबरिन तो वहाँ से भी एग्जाम ट्रैवल करके कमिडल लियर कैविटी तक जा सकता है इसके अलावा ब्लड ब्रोन इन्फेक्शन भी होती है बट ये बहुत ही अनकॉमन रूट है जो प्री डिस्पोजिंग फैक्ट्री है तो वो वो यही है थिंकट इंटरफे नॉर्मल फंशन ऑफ यूस्टेशन ट्यूब विल प्रिड्यूसपोज इंडिविजुअल टू मंडल इर इन्फेक्शन अब कौन कौन से फैक्ट्रेस हैं जो प्रीडियुपोज करते हैं एक इंडिविजल टू हेव एड डिफेक्टिव यूस्टेशन ट्यूब फंक्शन में तो आ जाता है रिकरेंट अटैक्स ऑफ कॉमन कोल्ड ठीक है जिसमें परस्पेट इन्फेक्शन आते हैं और एक्जेंथेमेटिस फीवर वो होते हैं जिसमें रैश होती है फीवर के साथ लाइक मीजल है डिफ्थेरिया है वो भी काफी है ठीक है अच्छा तो एक्जेंथमेटिक फीवर है, है या इन्फेक्शंस हैं, इन्फेक्शन है या रिकरेंट अटैक्स हैं कॉमन कोल्ड की तो ये फीचर है क्योंकि ये भी अगेन कॉज करा रहा है क्या डिफेक्ट इन द नॉर्मल फंक्शनिंग होता है यू ट्यूब टू सेकंड जो पीडिस पॉजिटिव फैक्टर दैट इज इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल्स एंड एडीनॉड्स ठीक है प्रोसेस एडनोट्स का मसला हो सकता है क्रोनिक रेनाइटिस या साइनसाइटिस उसकी वैसे हो सकता है नेजल एलर्जी की वैसे हो सकता है अगर ट्यूमर से नेजो फेरिंग्स के या आपने पैकिंग की ओर या नोज़ की या नेजो फेरिंग्स की फॉर एपिस्टेक्सिस तो उससे भी हो सकता है क्योंकि अगेन यूस्टेशन ट्यूब का फंक्शन डिफेक्ट होगा लेफ्ट पैलेट में भी होता है तो ये सारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं फॉर एस या एक्यूट याक्यूट ऑपरेटिव मीडिया क्या क्या कॉमन कोल्ड यू रैनाइटसाइटिसटस एडेनोडाइटिस नेजल एलर्जी ट्यूमर्स ये पैकिंग ऑफ नोस लेफ्ट पैलर ठीक है अब जो बैक्टीरिया इन्वाल्व होते हैं ये सोए है में वो कौन से इंपॉर्टेंट हैं मोस्ट कॉमन जो है वो है स्टेप निमोनी हिमोफिलस इन्फ्लूजा और मोरगजेला कटेलिस ठीक है uh, स्टेप हिमोफिलस एंड मोरगजेला कटारालिस इसके अलावा uh, स्टेप पायोजिन भी होता है स्टाफ ओरियस भी होता है सीडोबना सरजनोजा भी होता है तो ये आप याद रखते हैं इस जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक एम कटारालस है या एस इंफ्लुंसा है ये बीटा लेक्टेज पॉजिटिव ऑर्गेजिम है इसलिए हमें फिर बीटा लेक्टे एंटीबायोटिक्स के साथ क्लाइलानिक एसिड भी यूज़ करना पड़ता है ठीक है या हम एंटीबायोटिक ही चेंज कर सकते हैं अच्छा इसके अलावा हम जो पैथोलॉजी देखते हैं ए एम प्रोडक्शन की इसमें पांच स्टेजेस हैं जैसे हमने इफ़ यू कैफ कैन रिमेंबर तो हमने जब लेटरल फाइनस फॉरमो फिलबाइटस पढ़ा था तो हमने उसको चार स्टेप्स पढ़े थे राइट इस तरह चार सॉरी पांच स्टेजेस हैं एक्चुअली चार ही कहना चाहिए क्योंकि जो लास्ट हो तो स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन होती है या कॉम्प्लिकेशन होती है तो तीन खैर इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं लेकिन हम लिखते पाँच ही हैं तो पाँच इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्ट सेपरेटिव टाइटिस मेरे द फर्स्ट स्टेज इज़ द स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑकलूजन जो एयम की पैथोलॉजी स्टार्ट होती है जब ट्यूब ब्लॉक हो जाए या ऑक्लूड हो जाए तो फर्स्ट स्टेज इज स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूजन इसमें होता है कि एडिमा और हाइपरमिया हुआ होता है ड्यू टू नेफ्रोजेन ड्यू टू जब एडिमा और हेप्रीमिया हाँ होता है नेजो फ्रेंिज लैंड ऑफ यूस्टेशन ट्यूब का तो उससे ब्लॉक हो जाती है ट्यूब जिस वजह से क्या होता है एजॉप्शन हो जाती है एयर की और लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये मिडिल ईयर है और ये यूस्टेशन ट्यूब है अगर ये ब्लॉक हो जाएगी तो मिडिल ईयर में तो जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ना इस वजह से क्या होगा वहाँ पे एयर साकेत होना शुरू हो जाएगी एयर की एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी इन द वॉल ऑफ द मिडल ईयर उससे ये होगा कि जो वहाँ पर टिश्यूज पड़े हैं उससे जो फ्लुइड होगा वो लीक आउट होकर मिडल ईयर में शुरू हो जाएगा तो स्टार्ट ये है कि एडिमा अडीमा हैप्रीमिया ऑफ द नेजोल एंड ऑफ द यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक सर

भी कोई नहीं है और साइंस का मिलेंगे एट दिस पॉइंट हमें टिप्पेलिंग मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड मिलेगी मेक सेंस विद हैंडल ऑफ मेलियस एजूमिंग मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो टिपेलिंग मेम्ब्रेन हमारे पास रिट्रैक्टेड है और जो हैंडल ऑफ मेलियस है वो हॉरिजॉन्टल पोजिशन ज्यूम किए हुए है और जो प्रोमिनस हैिटल प्रोसेस ऑफ मेलियस की वो वो भी शो हो रही है एंड दिस अ लॉस ऑफ राइट लाइट ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है कि टिम्पेनिक मेब्रेन का रिट्रेक्टरी पोजीशन में होना लाइट uh, ऑफ का लॉस हो जाना और टूनिफोक टेस्ट पे कंडक्टिव डिफनस होना ये फर्स्ट स्टेज के कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं ठीक है थीके? अच्छा देन दैन सिम्ट है देन जो सेकंड स्टेज आती है स्टेज ऑफ एक्जुडेशन और प्री सपरेशन पहले स्टेज क्या आती है स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्ुलेशन सेकंड स्टेज इज स्टेज ऑफ एक्जुडेशन और प्री सपरेशन मतलब अभी सपरेशन या पास डिवलप नहीं हुई जस्ट एक्जुडेशन हुई या फ्लूड एक्सुड हो रहा है ठीक है सो इफ द ट्यूबेलूज इज प्रलॉन्ग पायोजनिक ऑर्गेज इन वेड द टिम्पेिक कैविटी काजिंग हाइप्रीमिया और फिर स्लाइनिंग ठीक है पूरी टिमपेनिक एविटी का हाइप्रेमिया हो जाएगा इंसिलेट्री एक्सुड वहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा और टिपेनिक मेम्रेन भी यहां पर कंजस्टेड हो जाए तो यहाँ ज्यादा डिफेंस किया जाए तो कंजेशन हो रही है मिडिल कविटी की टिम्पेनिक मेम्रेन भी हमें कंजस्टेड uh, मिल रही है और साथ में एक्सुडेट अपीयर हो रहा है इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट अपीयर हो रहा है तो ये सेकंड स्टेज कैरेक्टरिस्टिक है सिम्टम्स ये होंगे इस स्टेज पे आकर जो ईयर एक है थोड़ा मार्क्ड हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा और इट में डिस्टर्ब स्ली और जो पेन होगा ईयर में वो भी थ्रोमिक नेचर का होगा ठीक है और इसके अलावा हेरिंग लॉस भी हो सकता है टेनाइटस भी हो सकता है ओके यूजली चाइल्ड रन हाई और फीवर ठीक है हेयरिंग लॉस और टेनाइटस मतलब बड़े, बड़े ही कंप्लेन करेंगे बच्चों को तो नहीं ऐसे पता चलेगा वो खाली मतलब उनको खाली पेन का पता चलेगा क्योंकि वो कान को हाथ लगा रहे होंगे Og uh, som, mæløb, jo um, feber er. बच्चे का वो हाई होगा क्योंकि स्टेज, स्टेज पे इंफ्लमेटरी uh, एक्सुडेट भी आ गए इन द मिडिल ईयर नेक्स्ट स्टेज दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ एयर स्टेज ऑफ अच्छा इसकी हम साइंस और सिपनर जो देखने हैं तो साइंस सेकंड स्टेज की ये है कि मैं एज आई अ टोल्ड यू कि कंजेशन हो रही है उसकी टेम्पेनिंग uh, मेब्रेन की तो हमें कंजेशन हो रही है पास टेंसर की ठीक है और हमें लीश ऑफ ब्लड वजर्स अपियर होती हैं है द हैंडल ऑफ मिलियर एंड एट द दरिफ्यूफ टनिंग मेब्रेन इम्पॉर्टिंग एट अ कार्ड फिल अपंस और कार्ड फिले हमें कब मिलती है सेकंड स्टेज में मिलती है स्टेज ऑफ प्री सेपरेशन में मिलती है, है, है? जहां पर वो हमारे पास क्या होता है लीशो ब्लड वेसल्स अपीयर होती हैं ओवर द एंड ऑफ मेलियस एंड द टिपेनिक मेम्रेन एंड ओवर और दरिफ्रो टिम्पेनिक हमें कार्ड विल्स से पेरेंस मिलती है सो लेटर होल ऑफ द टिम्पेन पार्ट्स एसिडा बिकम्स यूनिफॉर्मली रेड भले तो उस पर्टिकुलर पोर्शन की कंजेशन बाद में द होल ऑफ इट बिकम्स बिकम्सार्मली रेड एंड टेस्ट अगेन शो कंडक्टिव टाइप ऑफ सेकंड स्टेप के साइंस और सिम्टम्स है थर्ड स्टेप इज थर्ड स्टेज दैट इज स्टेज ऑफ सेपरेशन उसमें क्या हो रहा है दिस इज मार्क बाय द फॉर्मेशन ऑफ द मेडल इयर एंड टू सम एक्सटेंट मा सिर्फ मिटल ईयर कैविटी में पास बन रही है बल्कि मैथ एयर सेल्स में पास बन रही है ठीक है इन स्टार्स बल्जिंग टू द पॉइंट ऑफ रपचर ठीक है इस स्टेज में क्योंकि पास बने रहे तो मैं पहले रिट्रेक्ट के बाद में बल्जिंग के फॉर्म में आ गई ठीक है सिमटम यू कियर अच्छा इस स्टेज पर ना इर एक मतलब विद ईच प्रोग्रेसिंग स्टेप या विद ईच प्रोग्रेसिंग स्टेज जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो अग्रेसिव हो रहे हैं ठीक है सो डिस पॉइंट बिकम एक्सक्रूसिय लॉस इंक्रीजे एंड चायल मेरा फेवर ऑफ वन जीरो टू टू वन जीरो थ्री फैलन डिग्री फैलन है तो मेजर कंप्लेट्स हैं ये समय वही है एक तो फीवर है एक ईयर एक है और एक हमारे पास आ जाता है हेयरिंग लॉस ठीक है अच्छा ये इंपॉर्टेंट है इस अलावा स्टेज पे वॉमिटिंग भी हो सकती है और कन्वर्जनस भी हो सकती है साइंस ये कि मेम्ब्रेन विल अपीयर रेड एंड बल्जिंग विद लॉस ऑफ इट्स लैंडमार्क्स हैंडल ऑफ मेलियस में, में तो भी बाय द एन एंड टिपेनिंग मेम्ब्रेन और हमें हैंडल ऑफ मेलियस डिसरनेबल भी ना हो अच्छा इसमें ये होता है कि येलो स्पॉट में भी सीन ऑन द मेम्ब्रेन वेयर रप्चर इज इमिनेंट मतलब मतलब यू कैन से दैट इज द मोस्ट द स्पॉट ऑफ हाईएस्ट प्रेशर जहाँ पे ज्यादा पस प्रेशर लगा रही है वो रप्चर भी होने वाला है हमें वो उसकी ऑटोस्कोपी भी नजर आ जाएगा तो इन प्री एंटीबाटिकरा वन से पर लाइक प्रोट्यूजन होते पर मेमब्रन द येलस्ट स्पॉट ऑन इट्स समिट टेंडनेंस में भी लिसिटेड ओवर द मैस्टर्ड एंट्रम क्योंकि वहाँ पर भी बस पड़ी हुई है ठीक है अच्छा हम फिर एक्से कराते हैं मास्टर्ड बोन का और सीटी कराते हैं टेम्पोल बोन की तो हमें उस पर भी अगेन क्लाउडिंग मिलेगी एयर सेल्स की बिकॉज ऑफ एक्सोटेशन और दिस इज स्टेज मेरे घोटो में कर देना चाहिए क्योंकि पेन बहुत सवर होता है चाइल्ड को और फीवर बहुत हाई होता है तो मेरे घोटो करेंगे तो पास रिलीज हो जाएगी तो फीवर और पेन सबसाइड कर जाएगा ठीक है फोर्थ स्टेज ऑफ रेजोलूशन की इसमें यह होता है कि अगर लाइक हम खुद मेरे घोटों ना करें तो रेजोल्यूशन लिए खुद ही मेरे घोटे में हैं स्पॉन्टेस मेरे गोटे हो जाती है ठीक है इन गर स्टक्चर विद रिलीज ऑफ पास एंड सब्सिडेंस ऑफ सिम्टम्स इनफ्लेमेटरी प्रोसेस बिगनस टू रिजोल्व ए प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्टेड अर्ली और इफेक्शन माइल रेजोलूशन में इवन अकर विदाउट रपच्चर ऑफ टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन मतलब इस ज़रूरी नहीं कि टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन रपच्चर होना ही होना है खुद भी वैसे भी अगर माइल्ड इन्फेक्शन तो वैसे भी क्योर हो सकती है ठीक है टाइप के सिम्टम ये होंगी कि रिलीव फीवर कम्स डाउन चाइल्ड फील्डर साइंसरी कनाल में कॉन्टेंट ब्लड क्योंकि वहाँ से बस निकली है ना ब्लड टेंज डिस्चार्ज मिल सकता है ब्लड टेंट प्रोबलट हो जाएगा जो स्पॉन्टेनियस परफोलेशन हो रही है ना टिपेनिक मैमब्रेन वो एंट्रो इन्फीरियर क्वाड्रेंट में होती है ठीक है हाईप्रेमियम से तो टिम्पेिक मैमब्रेन का बिगिंस टू सबसाइड जो हाँ सॉरी जो हाईप्रेमिया होगा टिम्पे मेम्रेन वो भी सबसाइड होने तरफ आएगा और हमें नॉर्मल लैंडमार्क लोमा कलर नजर आने लग जाएगा टिपेनिक मेमब्रेन का जो फिफ्थ स्टेज है दैट इज स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन उसमें यही है कि अगर तो ऑर्गेनिज्म ज्यादा विरोलन था या पेशेंट की कंप्लाइंस सॉरी जो पेशेंट थी उसकी रेजिस्टेंस कम थी तो रोजोल्यूशन में नॉट टेक प्लेस एंड द डिजीज स्प्रेट्स बियॉन्ड द कन्फाइस ऑन ईयर इसमें होता है कि डिजीज स्प्रेड करके अपनी डिफरेंट कॉम्प्लीकेशन कर सकती है लाइक एक्यूट मैस्टोडाइटिस हो सकता है सबरीपस होता है हो सकता है लेब्रेन थाइटिस हो सकता है पेट्रोसाइटिस हो सकता है एक्सट्रल्स बन सकता है ये सारी एंट्रा क्रेनियल कॉम्प्लीकेशन है मैंजाइटिस है ब्रेन एप्सिस हैं लेटरसम्बल फल कुछ एंट्रा टेम्पोरल हो सकते हैं कुछ इंट्रा क्रेनल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं पांच स्टेजेस कौन से थे वन स्टेज ऑफ ट्यूबलोलूशन टू स्टेज ऑफ प्री सपरेशन रेगजोलेन स्टेज ऑफ अपरेशन थर्ड स्टेज ऑफ रिजोलूशन फिफ्थ स्टेज ऑफ कॉम्प्लीस ये होगा स्टेजेस ट्रीटमेंट क्या है इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो हमको एंटीबायोटिक थेरेपी ही देते हैं इज इंडिकेटेड इन ऑल केसेस विद फीवर एंड ईर जहाँ भी फीवर होगा ईयर रेगो का साथ एंटीबायोटिक स्टार्ट करा दें मोस्ट इंडिविजुअल सॉरी मोस्ट ऑर्गेजम जिसमें स्टोनियो होते अगेंस्ट हम मोगसलिन देते हैं मतलब पेंसिलिन दे रहे होते हैं जिसमें मोसिसन है एम्पिसन इंपॉर्टेंट है और अगर इसे अगर पेंसिलिन से एलर्जिक हो तो हम उसको सिफा दे सकते हैं कोटरा मोसोसल दे सकते हैं या रथ्रोमाइसन दे सकते हैं अगर बीटा एक्टम प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हो लाइक एम कटारेलिस है या एच इन्फ्लुजा है तो फिर हम उसमें क्लाउलानिक एसिड भी ऐड कर सकते हैं और हमें थेरेपी लाजमन लाजमन एडिकुएट डोजेज में टेन डेज तक कॉन्टिन्यू करनी चाहिए वरना जो फ्लूड प्रो, प्रोडक्शन है वो कम नहीं होगी और टाटस मीडिया विद एफ्यूजन uh, शुरू हो जाएगा फ्रेशन में ठीक है तो दस दिन तक लास्ट आपने कॉन्टिन्यू रखनी है थेरेपी नॉट बेशक सिम्टम्स ठीक भी हो जाए तभी आपने कॉन्टिन्यू रखनी है थेरेपी अच्छा सेकंड जिसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ दे सकते हैं वो हम पॉजिटिव एजेंट को कम कर सकते हैं लाइक हमने कहा था कि हाईपेरेमिया और एडीमा ऑफ यू स्टेशन ट्यूब से मसला शुरू हुआ था तो हम उसका हाईप्रेमिया और एडीमा को कम करने के लिए डिकन्जेस्ट नेजल ड्रॉप्स दे सकते हैं लाइक उसमें एफ्रेडिन होता है एफ्रेडी नोज ड्रॉप्स होते हैं या ऑक्सीमेटाजोलिन यूज कर सकते हैं या जैलोमेटाजोलिन जो कि वो जायलोसिन के नाम से आती भी है वो दे सकते हैं जिससे होगा कि रिलीव हो जाएगा स्टेशन ट्यूब का एडीमा और वेंटिलेशन वेंटिलेरी की इंप्रूव होगी क्योंकि स्टेशन ट्यूब खुल जाएगी तो वहाँ पर जो नेगेटिव प्रेशर था वो रिलीव हो जाए तो फर्दर पस की कम्बेशन नहीं होगी तो डिकन्जस्टन नेजल ड्रॉप्स में एफ्रीडी आता है और उसमें जायलो मेटा आती है और साथ में आती है उसमें ओग्री ठीक है जो थर्ड है इसमें टॉक दे सकते हैं दैट इज़ ओरल नेजल डीकनजेस्टन हम ओरल फॉर्म में टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं जिसमें हम सीडो देते हैं या हम डीकन्जस्टर को कंबाइन कर सकते हैं तो एंटी हिस्टामिन तो उनको हम कॉम्बिनेशन uh, भी दे सकते हैं तो एंटीबायोटिक थेरेपी डिकन्जेस्टिव नेजल ड्रॉप्स और डिकन्जेस्टन ड्रॉप्स इसके अलावा हम एनर्जेसिक और एंटीबायोटिक देते हैं हम पैरस्टामोल देते हैं क्योंकि बच्चों को फीवर भी ज़्यादा बच्चों को पेन भी है ईयर टॉयलेट करते हैं तो हम यही कहते हैं कि डिस्चार्ज इन को हम ड्राई स्टेराइल ईयरबड्स से उसको ड्राई मॉप करते हैं और बाद में हम एक विक मॉइसन विद एंटीबायोटिक्स में प्लेस कर देते हैं ठीक है तो ईयर टॉयलेट भी इंपॉर्टेंट ड्राई लोकल हीट देते हैं टू रिलीव पेन सर्जिकल थेरेपी इंपॉर्टेंट है इन थर्ड स्टेज ऑफ एसन जो हमें रंगोट में करते हैं इन सीजन इन सीजन बनाते हैं थोड़ा ड्रम ऑफ दी टिम्पेनिंग मेमरी टू एक्ट द पस और ये हम मेरे तब करते हैं जब ड्रम बल्जिंग हो और एक्यूट पेन हो बल्जिंग ड्रम विद एक्यूट पेन तो मेरे कर देना चाहिए सेकंडली हम तब करते हैं जब इन्हें कंप्लीट रेजोल्यून हो स्पार्ट एंटीबायोटिक ठीक है मतलब एंटीबायोटिक थेरेपी दे भी दिया दस दिन तभी रेजोल्यूशन नहीं हो रही उस इन्फेक्शन की एंड ड्रम इज स्टिल फुल विद द पसठ ठीक है और थर्ड हम तब करते हैं जब वन इज अ प्रजिस्टेंट ड्यूजन मतलब बारह वीक्स गुजर गए तीन महीने गुजर गए फिर भी अफ्यूजन uh, है फिर भी वो बनता जा रहा है फ्लूड तो वो केस होता है टाटा सीटे विद इफ्यूजन का तब तो हमने करनी करनी होती है क्योंकि uh, पास कॉन्टिन्यूसली बन रही है ठीक है तो तीन इंडिकेशन मैंने गोट में, तो में किए तो अगर ड्रम बल्जिंग और क्यूट पेन में बच्चा सेकेंड अगर इनकम्प्लीट रिजोल्यूशन है डिस्पाइट थेरेपी थर्ड है कि अगर प्रजिस्टेंट इफ्यूजन है बियॉन्ड ट्वेल्व वीक्स ठीक है अच्छा बाकी इसका ये चार्ट बना हुआ कि टाटा मीटर विद इफ्यूजन है उसमें एंटीबायोटिक मटेरियल थेरेपी दे दी तीन दिन के अंदर अगर आराम आ गया तो उसको हम कॉन्टिन्यू करेंगे फॉर टेन डेज अगर आराम नहीं आया तो या तो कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाएगी आफ्टर टेन डेज अगर तब भी नहीं हुई तो बस प्रजिस्टेंट फ्लूड बन सकता है और अगर बारह वीक्स के बाद भी फ्लूड बने तो मतलब उसको एज़ आट मीडिया विद फ्यूजन के लिए ट्रीट करते हैं या बारह दिन बारह हफ्तों के बाद वो सॉरी बारह दिन नहीं बारह हफ्तों के बाद वो खुद ही रिजर्व कर देगा लेकिन अगर बारह हफ्तों के बाद भी नहीं करता तो हम आगे हमने ऑटाइट मीडिया विद फ्यूजन भी पढ़ना है तो जैसे उसकी होती है मैनेजमेंट वैसे ही uh, हम फिर इसकी भी करेंगे क्योंकि फिर एम दर इट अ टेंडेंसी टू गट कन्वर्टेड इन टू टाटी विद द अगर उसको हम एडिकेटली ट्रीट ना करें ठीक है तो दैट वॉज ऑल अबाउट इट आई होप इतना मुश्किल नहीं होगा और आपको अच्छा समझ आ गया होगा सो इन द नेक्स्ट वीडियो